अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कतर के बारे में अपडेट देनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यस्टरडे कुछ अपडेट्स डाली हैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके जो रेजिडेंस थे जो ट्रैवल कर रहे थे वापस कतर जाने के, मिसाल के तौर पर जब वो छुट्टी पे आते वापस जाते तो उनको वहाँ पे एंटीजन टेस्ट और 24 आवर्स में कोविड टेस्ट करना पड़ता था, तो वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है और ये जो इम्प्लीमेंट होगा 1 नवंबर के बाद। तो 1 नवंबर से पहले जो ट्रेवल कर रहा है वो वहाँ जाके 24 आवर्स में एंटीजन टेस्ट या PCR टेस्ट या कोविड टेस्ट ज़रूर करेगा। और जो न्यू विजिटर है जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कतर, तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि वो भी अभी कोविड टेस्ट नहीं करेंगे जाने से पहले। यानी कि कतर में जाने से पहले जो 48 आवर्स पहले कोरोना टेस्ट करना था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है 1 नवंबर के बाद। और एतराज़ अप्रूवल के बारे में अपडेट देनी है कि उन्होंने एतराज़ अप्रूवल भी ख़त्म कर दिया है। एतराज़ अप्रूवल अब सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होगा जब आप किसी भी जब आप कतर जाएंगे और कतर में किसी हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल जाएंगे तो तब वहाँ पर आपका एतराज़ चेक होगा। अदरवाइज़ उन्होंने ये दोनों चीज़ें रिमूव कर दी हैं। तो अभी जो लोग भी विजिट पे या जो लोग भी छुट्टी आए हुए हैं और वापस कतर जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे जाके एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो लोग नए वीज़े पे जा रहे हैं या विजिट पे जा रहे हैं या हया कार्ड पे जा रहे हैं तो उनको जो 48 घंटे पहले कोविड PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी।